नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत किरण वैष्णव, वैष्णव मार्बल इंडस्ट्रीज, फेज सेकंड, किशनगढ़ रोड, रूपनगढ़। आज मैं आपको राजस्थान में मार्बल की जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी धरोहर जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है, वहाँ संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में राजनगर माइंसों पर मोरवड़ नाम से भी पत्थर निकलता है, जो संगमरमर के जैसा ही होता है। उसी की तर्ज पर हम यहाँ वाइट मार्बल लाते हैं, जिसको नाम मोरवड़ है। पूरा प्रोसेसिंग मैं आपको आज मोरवड़ का दिखाता हूँ। हम राजनगर से खदानों से पत्थर लेके आते हैं, पत्थर को फिर वहाँ डायमंड पे चिराते हैं। चिराने के बाद ट्रैक्टर पे ऐसे रेड़े भरवा कर लेके आते हैं। फिर रेड़ों से लाने के बाद यहाँ पे माल खाली होता है। फिर यहाँ से छोटी एज कटिंग लगा के, जो एज कटिंग लगी हुई है वहाँ पे माल बनता है। यहाँ पर लीरे, टाइल, वेराइटी, छोटी टाइल्स, लीरे बड़े साइज के, वेराइटी, ये सभी प्रकार की मार्बल यहीं पे बनाया जाता है, यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी मिक्सिंग का काम नहीं किया जाता है। डायरेक्ट माइन से माल आता है, माइन से माल आने के बाद ट्रैक्टर से यहाँ लाकर लोड कर यहाँ कटिंग पे इसको कटवाया जाता है। कटिंग पे कटवाने के बाद इनको बाहर हर तरीके से अलग अलग साइज को अलग अलग तरीके से जमाया जाता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये इनको बोलते हैं वाइट की टाइल्स, जो आपने शायद ताजमहल में भी देखा होगा, जब घूमते हुए नीचे जाते हैं छोटी छोटी टाइल्स लगी हुई होती है, उसी की तर्ज पर ये वाइट मोरवड़ की टाइल्स है। ये बिल्कुल वाइट होती है। फिर इससे थोड़ा बड़ा साइज बनता है, जिनको हम लीरे बोलते हैं। इसकी साइज होती है 2x2 से 24x24 से लेके 4x2 तक, 48x24 तक का। आप इससे बड़ा साइज लेओगे तो फिर उसको हम थप्पी स्लेब, जिसको आप स्लेब बोलते हैं, स्लेब बनाया जाता है, इनको लीरे की साइज बोला जाता है। ये 24x24 से लेके 48x24 तक मिलता है। इसी प्रकार इसको हम टाइल्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे बाहर ऊपर छत पे, छोटे किचन में भी लगाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं टाइल्स। ये 2.5 से लेके 1x1 12x12 से लेकर टोटल 24 तक होती है, इनको हम टाइल्स बोलते हैं। इसी प्रकार फिर ये 2x2 बनती है। इसमें अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ धरमेटा होता है, कुछ वाइट मोरवड़ होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाइट का दिखाया था, उसी प्रकार इसी में कुछ कलर होता है जिसको धरमेटा बोलते हैं। ये धरमेटा की टाइल्स हैं, साइज वही होती है इनकी भी, इनको धरमेटा टाइल्स बोलते हैं। इसमें और उसमें एक फ़र्क होता है, वो बिल्कुल प्योर वाइट होती है जो चमकती है, और ये जैसे कलरफुल आप चाहते हो कलर लगाया जाए, कलरफुल माल हो हमारे, तो वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं बताया जाता, जैसा आपको अभी दिख रहा है वैसा ही धरमेटा में। यही एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये जैसा होता है उसको उसी प्रकार से दिखता है, वैसा ही लगता है और वैसा ही रहेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पॉलिश होने के बाद चेंजिंग नहीं होता है। ये अब इसको इससे ऊपर आते हैं, जब ये बोलते हैं हम थप्पी, इसमें अलग अलग साइज होती है। धरमेटा की थप्पी की एवरेज रेट 40 रुपये से लेकर 65-70 रुपये तक की होती है। ये छोटा साइज है धरमेटा का, ये सबसे बड़ा साइज होता है इसका, 6x5 का साइज है। ये 2500-3000 फुट के एक एक लोट होते हैं, जो पूरे मकान में एक लोट से भी काम चला जाता है। इसकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी आप चाहे जितनी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे आ जाओ, इसको बोलते हैं मोरवड़। इसमें वाइट के अंदर ये क्वार्ट्स जो हल्का फुल्का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोडी क्वार्ट्स। ये लगने के बाद इतना अच्छा लगता है कि आपको इतना ज़ोरदार फिगर आएगा इससे, जो आप देखोगे तो ताजुब करोगे। ये वाइट के अंदर ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसमें कोई भी मिक्स और मिलावट करी हुई चीज़ें नहीं है। जहाँ से जैसा आता है वैसा ही डायरेक्ट बनता है और वैसा ही उतरता है। इसी प्रकार इसमें अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग कलरफुल होता है। आपको वाइट चाहिए तो वाइट, धरमेटा चाहिए तो धरमेटा, दोनों एक ही प्रकार की माइन से आते हैं, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है। एक में वाइट आता है और एक में धरमेटा आता है। इसको आप धरमेटा में लगा सकते हैं। ये आपके पास वाला दिख रहा है, ये सारा मोरवड़ है, इसको हम मोरवड़ बोलते हैं। इसकी थिकनेस होती है 14.5 से 15 mm। आप ना ये टूटता है ना घिसता है, और शाइनिंग जैसी है वैसी की वैसी रहती है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती। आप इसमें एक परिवर्तन और कर सकते हैं, जैसे आपने 4x4 की साइज़ लगाई,
तो उसके साथ में ब्लैक या रेड या ग्रीन कलर की 2 इंची की बॉर्डर पट्टी भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी कलर में थोड़ा फ्लोरिंग में निखार आ जाए, उस निखार से थोड़ा शो ज़ोरदार लगता है। इसी प्रकार आप ये इधर देखिए कलर, ये लगने के बाद इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप शायद मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो ताजमहल देखने नहीं गया होगा। तो ताजमहल में प्योर वाइट होता है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर, ये AGT जो होता है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि ग्रेनाइट, आज ग्रेनाइट का ज़माना चल रहा है, ग्रेनाइट में क्या है, लोग कलर करके उसको चेंज कर देते हैं और उसमें केमिकल डाल के वाइट को भी येलो बनाया जा सकता है, पिंक बनाया जा सकता है, रेड बनाया जा सकता है। इसको हम किसी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो सकता है। आप ग्रेनाइट में कर सकते हैं, जैसे कुछ समय पहले हमने सुना था कि मोरबी से चीनी मिट्टी की टाइलें आ रही थी तो लोगों ने बहुत लगाया, उसमें शाइनिंग अच्छी थी, लेकिन आज वापस घूम फिर कर वही लोग वापस मार्बल में इसीलिए आ रहे हैं कि ये सबसे मजबूत, सस्ता और टिकाऊ चीज़ है। ये जैसा है अपनी जीवन में दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मार्बल एक तो पत्थर होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार से चलने में कोई नुकसान नहीं है, शारीरिक नुकसान नहीं है, अपन नंगे पैर घर पे चलते हैं तो कोई दिक्कत देने वाली चीज़ नहीं होती है। तो और जैसे ये घिसेंगे, जैसे चलेंगे वैसे वैसे इसकी चिकनाई आती जाती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जहाँ जहाँ भी चीनी मिट्टी की टाइलें लगी है, आप कहीं पर भी नोट कर लेना, उन सबको वापस घूम करके वापस 2 साल में 3 साल में फ्लोरिंग के अंदर 100% मार्बल ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो सब क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, फिर वापस वो फिगर मिलता नहीं है, उसी साइज़ की चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको ना तो ये टूटता है, ना ये घिसता है, ना ये कुछ होता है। अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा जितने भी आप शुरू से देखते आइए, आप कहीं पे भी घूमने जाइए, बिरला मंदिर चले जाइए, ताजमहल चले जाइए, लोटस टेम्पल में चले जाइए, वहाँ पर आपको मार्बल ही लगा हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर लाइफ टाइम है, ये अपनी जीवन में दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लोगों की सोच होती है जब मकान, फैक्ट्री, दुकान जब बनाते हैं तो अपन यही सोच के बनाते हैं कि यार एक बार इसको बना के कंप्लीट कर दें तो पीछे से कोई काम नहीं करना पड़े, उसके लिए मार्बल सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ। आप मकराना जाओगे लेने के लिए, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, उसकी रेंज आप अगर वाइट लेने जाओगे तो 300 रुपये फिट से शुरू होकर फिर उसकी अलग अलग रेट 400, 500, 700, 800। मोरवड़ की माइंस की वाइट, एकदम वाइट तप्पी आप लेने जाओगे तो 70 रुपये से शुरू होती है, जो लास्ट आपको 150 रुपये, 200 रुपये फिट के अंदर बड़े से बड़े लोड मिल जाते हैं। उसी प्रकार धर्मेटा आप लेने जाओगे तो 40 रुपये फिट से शुरू होती है और 60-65 रुपये तक लास्ट में मिल जाती है। अब इससे सस्ता और इससे अच्छा मार्बल आपको मिलेगा नहीं। अब वो आपकी, हम तो ये चाहते हैं कि आप अपना विजिट करें, देखें एक बार, इस माल को समझें और जो आपकी समझ में आता है वैसे आप, जैसे टाइल्स लगाना चाहिए, टाइल्स आपको सस्ती मिलती है, मोरवड़ की प्लेन की टाइल्स लेने होंगे आप तो आपको 23 रुपये में 1x1 से लेकर 2.5 तक पूरा लोड मिल जाता है। उसी प्रकार धर्मेटा की लेने आओगे, साइज़ वही है तो आपको 18 रुपये, 18.5 रुपये में पूरा लोड मिल जाता है। और इसी प्रकार प्लेन के लीरे आप लेने आओगे तो 42-42 रुपये फिट में पूरा लोड 2x2 से लेकर 4x2 तक का लोड मिल जाता है। तो ये सस्ता माल है और आपको लाइफ टाइम है, लॉन्ग लाइफ है, जब भी आप चलोगे देखोगे तो आप याद करोगे कि मार्बल भी कोई चीज़ होती है। और इसी प्रकार आपने, जब मैं अभी ग्रेनाइट की भी बात आपसे कर रहा था, तो ग्रेनाइट में क्या है, आजकल लोकल माइंसों पे बहुत से ग्रेनाइट निकलने लगे, जालौर में, किशनगढ़ में, सिरोही में, उदयपुर खुर्द में और खोड़ा गणेश जी में, तो बहुत सारी उदयपुर या पाली में, तो ये सब जगह मार, ये सब, अब ये जो मेरे पास ग्रेनाइट है इसको हम बोलते हैं जेड ब्लैक। ये साउथ में ही निकलता है, जैसे ग्रीन उदयपुर में निकलता है उसी प्रकार साउथ का जेड ब्लैक ग्रेनाइट सिर्फ और सिर्फ साउथ में निकलता है। इसमें भी कोई भी किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है, ये जैसा है वैसा ही है, इसको जेड ब्लैक बोलते हैं और ब्लैक के अंदर सबसे महंगा मार्बल इसको बोला जाता है, ग्रेनाइट सॉरी, इसको सबसे महंगा ग्रेनाइट बोला जाता है। तो इसमें कोई भी आप किसी भी प्रकार का केमिकल यूज करके इसको कलर चेंज नहीं कर सकते, बाकी जितने भी पत्थर आते हैं उन सबको कलर चेंज। इसी प्रकार आप इधर आइए, इनको हम बोलते हैं, ये मोरवड़ के लोकल माइंसों के पत्थर लाया हुआ है, अब आप बोल देखो इनको गढ़ का पत्थर है, ये वाइट की शानदार ऊर्जा से इसमें बोलते हैं हम, जो वाइटनेस है वो आपको खुद को यहाँ पे दिख रही होगी, ये गढ़ का माल है, इसमें भी वाइट उतना ही है। इसकी एवरेज लास्ट रेट 60 रुपये तक पूरा लोड मिल जाता है। तो ये आप सबको उचित दर पे, उचित जगह और उचित स्थान पर मिल सकता है,
और जितना लोड, जितना किसी भी प्रकार का लोड चाहिए आप कभी भी मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरा एड्रेस मैंने आपको बता दिया, फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9414866033। धन्यवाद।